अभी हमारा पिज्जा वाला लग रहा है। हाँ तो गाइस अभी हमारा पिज्जा डोसा लग रहा है। ये हमारा प्याज आ गया। प्याज के साथ और भी कुछ मिक्स कर लग रहा है। प्याज है, मक्का है, गोभी है। प्याज, मक्का, गोभी और बीट है, बीट रूट। ये हमारा कॉर्न आ गया। ये सब मैं काट के डालते, काट के नहीं रखता, सब कटिंग करके डालते। जितना भी डोसा है, जो भी डोसा बनता है उसकी कटिंग आप लाइव करते हो, तो चलिए तो बहुत अच्छी बात है। तुरंत कटिंग करके डालता, काट के नहीं रखता कौन सा भी चीज। ये अभी हमारा टमाटर आ गया, देख सकते हैं अंकल जी लाइव कुकिंग करते हैं इसको, और लाइव कटिंग भी होती है इसके यहाँ पे। और सबसे शानदार बात यह है कि इन्होंने देखो अपना इतने छोटे से एरिया में कितना बढ़िया सेटअप कर रखा है, और आपको यहाँ इनके पास जो भी चाहिए आपको सब मिलेगा डोसे के वैरायटी में। अभी हमारे कैबेज चल रहे हैं, कट रहे हैं। ज़्यादा फास्ट भी नहीं कर सकते। ये साउथ इंडियन मसाला। हाँ ये चटनी है, हमारी चटनी आ गई। वापिस से बटर, ये शेज़वान, शेज़वान सॉस सॉस आ रहा हमारा, चिली सॉस। ओए होए, मतलब कि पूरा पिज्जा वाला टच देने की कोशिश किया आपने इसमें, इस डोसे में। ये कौन सा सॉस है? ये चिली है। तो अभी इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करेंगे आलू का बाजू, डालें ये टाइट के लिए, बाजू टाइट करने के लिए, को टाइट करने के लिए आलू का मिक्सचर। ये टमाटर, ये सब पानी हो जाता ना, उसको थोड़ा आलू टाइट कर। अच्छा इसकी प्राइसिंग क्या होती है, किस रेट का इसको अवेलेबल? अभी एक चीज डालेगा 100 रुपए लेता है, दो चीज डालेगा 120 रुपए लेता है, डबल चीज लेता है 120 रुपए, सिंगल चीज 100 रुपए। हां जिसको जो चॉइस है ऐसा। अभी आप ये क्या हो रहा है अंकल जी? तो पूरा मिक्स हो रहे। अच्छा मिक्स हो रहे, बाजी दबा के पूरा अच्छा अच्छा रहता है, सब मैं वेट कर देता पूरा, इसको बारीक बारीक कर देता। हाँ ये धनिया, तो धनिया आ गया ऊपर से हमारा, ये हरा प्याज। पिज़्ज़ा की कटिंग हो रही है अभी हमारी। ये हमारा बन के तैयार है बिल्कुल, कल निकालना बाकी। ओए ये तो बिल्कुल अंकल जी आपने बिल्कुल पिज्जा जैसा बना दिया इसको तो। ये देख सकते हैं आप डोसा, जो कहीं से भी अब डोसा नहीं रहा, ये अभी पिज्जा हो चुका है। अंकल जी ने इसके ऊपर इतना सामान डाला है कि बिल्कुल लोडेड हो चुका है। वैसे अंकल जी एक लोग के लिए काफ़ी होगा
दूंगा इसको एक लोग पर। तो गाइस चलिए अभी दोस्त अंकल से बात करते हैं। तो अंकल जी सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम वासु गौड़ा है। अच्छा अंकल जी आप कितने सालों से यहाँ पे? मैं 25-27 साल हो गया कम से कम। 27 साल इसी लोकेलिटी में लगाता, कभी पहले गाड़ी में लगाता था, अभी गाड़ी बंद हो गया, अभी साइकिल में लगाता है। अच्छा कितने टाइप के आप डोसा बनाते हो? मैं सब बना, कम से कम 140-140 दो आइटम का बनाता। अच्छा, एड्रेस समझा दीजिए यहाँ का। बादर नगर रोड नंबर 1 NL कॉलेज। बादर नगर 1। इधर 1 नंबर रोड नंबर 2 इधर ही घूमते मैं, बादर नगर रामचंद्र लाइन सब जगह घूमते। जिधर फोन आया उधर जाता, पार्टी का ऑर्डर भी लेता है, जो चाहिए डोसा चाहिए पाव भाजी चाहिए पानीपुरी भेलपुरी शोपुरी फ्राइड राइस मंचूरियन सब लेते हैं। इधर से 4 बजे से लेकर रात को 9:30 बजे तक, 4 से 9:30 हफ्ते के 7 दिन। हाँ कभी कभी छुट्टी नहीं होता है, उस दिन छुट्टी कर लेना पड़ता है, थक जाते हैं आदमी सवेरे शाम दोनों टाइम, सवेरे मालवणी माड़ा जाता है, शाम को यहाँ आता है, तो कभी थक जाता है तो छुट्टी करना पड़ता है। अंकल जी ये पूछा था मैं, आप जैसे ऑर्डर्स लेते हो तो कोई आपकी ये इस वीडियो को देख के आपको ऑर्डर देना चाहता है तो एक बार अपना नंबर फोन नंबर बता दीजिए। 9833506352। तो गाइज अंकल जी का आपने नंबर सुन लिया और वैसे मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो किसी को अगर अंकल जी के हाथ का डोसा खाना है और या कुछ अच्छा ऑर्डर देना है तो ये ऑर्डर भी लेते हैं। तो गाइज चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं और अंकल जी का डोसा ट्राई करते हैं।